राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि राज्य सरकार पोंग विस्थापितों की लंबित मामलों को निपटाने के लिए तत्परता के साथ काम कर रही है। अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए गए हैं। शुक्रवार को उपायुक्त कार्यालय के सभागार में पोंग बांध विस्थापित राहत और पुनर्वास समिति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए जगत सिंह नेगी ने कहा कि पोंग विस्थापितों को अब तक राजस्थान में जमीन उपलब्ध नहीं करवाई गई है। उनके मामलों को लेकर सचिव जल संसाधन मंत्रालय की अध्यक्षता में गठित हाई पावर कमेटी के समक्ष भी रखा गया है। दूसरे चरण में मुरब्बों से वंचित विस्थापितों को राजस्थान में नियमों के तहत जमीन उपलब्ध करवाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। नेगी ने कहा कि कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए भी विस्थापितों को सरकार हर संभव सहायता देगी ताकि पोंग विस्थापितों को उनका हक दिलाया जा सके। हमारे जो है स्टेट लेवल की जो पोंग विस्थापित उस कमेटी की बैठक है, तो बड़े लंबे अरसे बाद ये बैठक हुई है। इसमें बड़े पहले बैठक से पहले जो विस्थापितों की एक समिति है वो मुझसे मिले थे, और जो बैठक में जो मुद्दे हैं वो दोनों एक ही जैसे मुद्दे हैं। उनके जो ऑस्टीज हैं उनको जो अभी तक जो करीब 6,000 कुछ हैं उनको अभी तक जो एग्रीमेंट के मुताबिक राजस्थान में इनको प्लॉट्स मिलने थे या ज़मीनें मिलनी थी वो नहीं मिल पाए। उस मुद्दे को लेके वो मिले थे मुझसे, और जो बैठक हुई उसमें भी मुद्दे सिमिलर थे। तो इसमें ये फैसला लिया गया भी पिछले कुछ अरसे से हमारा राजस्व विभाग जो है इन मुद्दों को लेके जो है अपने विभाग लेवल पर भी, और जो एक सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के द्वारा जो एक केंद्र में जो हमारा वाटर कमीशन है उनके सेक्रेटरी जो उसके अध्यक्षता कर रहे हैं, एक हाई पावर जो कमेटी बनी है जिसमें हिमाचल और राजस्थान के राजस्व अधिकारी भी हैं, तो उस जो बैठक है उसमें अभी जो मुद्दे हैं जिनके बारे आज चर्चा हुई है उनको जो है उठाया गया, और इस बार जो है काफ़ी अच्छे जो उसके नतीजे निकले हैं। पहले जो है 3-3 महीने में अलॉटमेंट के लिए समय रखा जाता था, अब हर महीने जो अलॉटमेंट के लिए समय निश्चित किया गया है, और शीघ्र से शीघ्र इन जितने जो बचे हुए लोग हैं हज़ारों की जो तादाद है इनको जो है एग्रीमेंट के मुताबिक ज़मीन मिले उसकी कोशिश हमारी हो रही है।